हे गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कैसे लफाड़ो ज्वाइन कर सकते हैं ब्लड लाइन को। वाइल्ड फैन का रिटर्न बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है एंड ब्रॉक लेसनर क्या क्राउन जूल में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर सको। सो गाइस, हमारे फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से। तो क्या ब्रॉक लेसनर आपको क्राउन जूल में देखने को मिल सकते हैं? तो गाइस, कई अपडेट्स के माने तो ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल में आ सकते हैं। बट गाइस देखो यार, अगर ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो लगता है कि क्राउन जूल में आ सकते हैं। हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्राउन जूल में रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान नहीं है अभी कि वो क्राउन जूल में ब्रॉक लेसनर को लेके आए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इज द बिगेस्ट नेम राइट नाउ एंड उनके मतलब जो रिटर्न के हैं भी उम्र वो चल रहे हैं। बट गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने भी मतलब वो नहीं है कि तेजी से ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल में ही डेब्यू करवा दे कि हाँ भाई बंदे को लेके आते हैं। आई थिंक डब्ल्यू वेट करेगी सर्वाइवर सीरीज तक का। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ कि आप सच में क्राउन जूल में आ जाए ब्रॉक लेसनर कन्फर्म करने गुंथर को। बट गाइस, मुझे नहीं लगता डब्ल्यू इतनी जल्दी ट्रिगर पुल करेगी। पहले देखो क्या पता वो हिंट्स देंगी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ कर ले, तो गाइस वहाँ भी कोई हिंट देखने को मिल सकता है। बाकी ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल में अगर हो रहा है तो बहुत शॉकिंग मूवमेंट होगा, बेस्ट भी हो सकता है। लेकिन गाइस, आई थिंक क्राउन जूल का सर्वाइवर सीरीज में कुछ हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ेगा रिया रिपली एंड हमारे डॉमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन से। तो यार, जो फैंस होते हैं ना वो ज़्यादा ही कुछ पर्सनल हो जाते हैं, फैंस ज़्यादा ही कुछ ले लेते हैं पर्सनल स्टोरी लाइन को। बाय द वे, दिस इज स्क्रिप्टेड एंड डब्ल्यू इस चीज़ को बेस्ट बनाने के लिए किसी भी लेवल तक जाती है। तो गाइस, जो ट्वीट किया था डॉमिनिक मिस्टीरियो ने कि हाँ मैं रिया रिपली को नहीं, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेना चाहता हूँ हमारे जे ऊसो से, तो जे ऊसो के लिए रिया रिपली ने मतलब ऐसे किया था ट्वीट कि हाँ ये बंदा ऐसे ऐसे। तो कई फैंस हो रहे हैं कि जो रिया रिपली वो जेलस हो रही है लिव मॉर्गन एंड डॉमिनिक मिस्टीरियो से। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्टोरी लाइन, मतलब ऐसे करना पड़ता है इन्हें एंड इन्हें ऐसे दिखाना पड़ता अपने आप को ताकि लगे कि यार स्टोरी लाइन रियल है। तो ये चीज़ डब्ल्यू करती है, उनसे करवाती है, क्योंकि ये चीज़ बेनिफिट देती है, क्योंकि स्टोरी लाइन में मतलब तभी आएगा जो लगे कि पर्सनल है। तो ये चीज़ें एंड ये ट्वीट्स किए थे तो कई सोचते यार ये पर्सनली मतलब हेट कर रही है, मतलब जेलस फील कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी जिला फाटू से। तो कहीं जिला फाटू अभी रिटर्न कंफर्म नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीगल का रिटर्न होगा सर्वाइवर सीरीज में, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है एंड बुकर टी भी ऐसे कुछ भी कहते रहते हैं। तो गाइस राइट नाउ नॉट कंफर्म, कोई अपडेट कंफर्म नहीं कि जिला फाटू रिटर्न करेंगे एंड वो ब्लड लाइन जो करेंगे। बिकॉज ऑफ रीज़न अभी यार ब्लड लाइन के दूसरे मेंबर आ सकते हैं, जैसे जीकल जो हैं वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है डब्ल्यू में एंड वो सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न करते हुए दिखेंगे। तो ये मतलब र्यूमर्स हैं कि हाँ जिला फाटू आ सकते हैं, तो अभी नहीं आएंगे जिला फाटू, अभी टाइम लगेगा। सो गाइज, हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है हमारे अंडरटेकर से। तो गाइज, कई फैंस का और कई मतलब फॉर्मर रेस्लर्स का कहना ये, इवन एक रेस्लर का भी कहना ये कि अंडरटेकर की स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर के हाथों टूटना गलत था, कि ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी इसलिए वो गलत था, मतलब नहीं टूटनी चाहिए थी, वो रिटायरमेंट मैच पे टूटनी चाहिए थी। लेकिन गाइस, इन्हें ये नहीं पता कि वो स्ट्रीक टूटनी थी क्योंकि शॉकिंग मूवमेंट देना था एंड ब्रॉक लेसनर को कॉन्कर दिखाना था, बीस्ट वाला करेक्टर लाना था, तभी टूटी। इससे पहले टूट सकती थी गाइस वो स्ट्रीक, एज को मिला था मौका तोड़ने के लिए रसलमेनिया में, तो वो स्ट्रीक बचती भी नहीं ब्रॉक लेसनर के लिए। बिकॉज द रीज़न, ब्रॉक लेसनर यूएफसी में गए थे, यूएफसी में एक मैच के दौरान ये सोचा गया था कि हाँ भाई विंस मैकमैन ने जब इन देखा था ना फेस टू फेस, तभी सोच लिया था कि ब्रॉक लेसनर ही ये स्ट्रीक तोड़ेंगे एंड ब्रॉक लेसनर ही वो करेक्टर बनेंगे जो अंडरटेकर की स्ट्रीक को ब्रेक कर देंगे एंड उसके बाद उनका करेक्टर जिस लेवल पे गया था वो नेक्स्ट लेवल था। हाँ, कईयों को दुख लगा था कि हाँ यार ये टिकट्स बिक रहे थे, टिकट सेल कर रहे थे, सब सोचते थे ये अंडरटेकर किसको फेस करेंगे आज, किसके अगेंस्ट जाएंगे, किसके अगेंस्ट जाके परफॉर्म करेंगे, तो उस वजह से डब्ल्यू ज़्यादा टिकट बेचती थी। लेकिन कहीं यार मूवमेंट्स तो और भी बनते हैं, ये नहीं कि अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटनी थी एंड मतलब एक फॉर्मर रेस्लर ने कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट यार ये चीज़ होनी थी। बाय द वे, एज भी तोड़ सकते हैं स्ट्रीक और भी सुपरस्टार्स को मौका मिला था, तो ये कहना अलग है। डब्ल्यू शॉकिंग मूवमेंट लाती इसलिए ताकि वो बेस्ट बना सके एक सुपरस्टार को। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी जॉन सीना से। जॉन सीना के लिए एक फॉर्मर ऐसा ने ये कहा है कि जॉन सीना को किसी छोटे टैलेंट को पुश नहीं करना चाहिए, उन्हें बड़े टैलेंट को पुश करना चाहिए एंड उनका सीएम पंक या रैंडी ऑर्टन के साथ मैच होना चाहिए। बाय द वे,
इनका मैच किसके साथ होना अभी कोई मतलब कंफर्म नहीं हुआ है। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का ही कंफर्म है रेसलमेनिया के लिए। एंड रॉक किसे फेस करेंगे, सॉरी रॉक नहीं, जॉन सीना किसे फेस करेंगे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सभी अपने अपने मतलब तर्क लगा रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रैंडी ऑर्टन को फेस कर सकते हैं, बट अभी डब्ल्यू कोई कंफर्मेशन नहीं लेके चल रही। सिंपल सी बात है, अभी र्यूमर्स चल रहे हैं और ये चल रहा है कि कौन से बैटिंग ऑर्डर्स में नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन या कोई और सुपरस्टार हो। सो गाइस माय नेक्स्ट प्लेयर जुड़ी वो जुड़ी वाइसमैन पॉल हेमन से, तो वाइसमैन पॉल हेमन का रिटर्न होगा एंड क्या पता वो किसी और बंदे को ले आए ब्लड लाइन के। एंड सर्वाइवर सीरीज में आपको पता है 5-on-5 मैच होगा एंड जिला फाटू मुझे तो नहीं लगता किसी एंगल से ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे ओटीसी वाली। आई थिंक वो ज्वाइन कर सकते हैं ब्लड लाइन दूसरी वाली जो ब्लड लाइन राइट नाउ सोलो स्क्वाड की है और जो भी बंदा आ रहा है वो सोलो स्क्वाड को ज्वाइन कर रहा है। ओल्ड ब्लड लाइन के बंदे ही ज्वाइन करेंगे हमारे रूमर रेंज को यार, ये मान के चलो कंफर्म है यही चीज़ होने वाली है और डब्ल्यू यही चीज़ करने वाली है। एंड जिला फाटू अभी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल जी के लाएंगे क्योंकि उनका कंफर्मेशन है कि वो सर्वाइवर सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं, डब्ल्यू उनका सर्वाइवर सीरीज में डेब्यू करवा सकती है। एंड वाइज मैन जो हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई, उनका भी डेब्यू बहुत जल्दी हो जाएगा एंड डब्ल्यू करवा। सो गाइस मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई जुड़ी कोडी रोड्स से, कोडी रोड्स ने पॉल हेमन को लेकर कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि जब आने वाले टाइम में लोग याद रखेंगे, फैंस याद रखेंगे तो वो ब्लड लाइन की जगह पॉल हेमन को याद रखेंगे कि पॉल हेमन ही वो सुपरस्टार को बनाने वाले बंदे हैं, उन्होंने ही रोमन रेंज को बनाया है, उन्होंने ही पूरी ब्लड लाइन को मतलब क्रिएट किया है और वो चीज़ याद रखेंगे फैंस और ये मूवमेंट भी याद रखेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ ऑल टाइम जो ब्लड लाइन बनी थी और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अब तक चल रही है, अब तक ब्लड लाइन जो फॉर्म हुई है वो बेस्ट वे से जा रही है और इस चीज़ को डब्ल्यू नेक्स्ट लेवल पे जा रही है और इसके पीछे जो दिमाग है बंदे का वो पॉल हेमन है। एंड गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है हमारे कोडी रोड्स एंड ब्लड लाइन के सेगमेंट से, तो गाइस यूट्यूब पे मतलब इनकी वीडियोस पड़ी है जिसपे कोडी रोड्स को व्यूज़ कम मिले एंड ब्लड लाइन के एंड सेगमेंट के ज़्यादा मैच मिले, सॉरी नंबर ज़्यादा मिले, तो यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ऊपर नीचे होते हैं लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ दे ये देखने वाली होती है कि कोडी रोड्स का जो करेक्टर ना वो नेक्स्ट लेवल है, वहाँ पे वो मर्च भी बिकवा रहे हैं, टिकट सेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोडी रोड्स का जो करेक्टर है भाई वो नेक्स्ट लेवल जा रहा है, ये आप यूट्यूब के नंबर से मतलब जज मत करो या फिर किसी व्यूअरशिप के नंबर से जज मत करो कि हाँ ये कोडी रोड्स, कोडी रोड्स का करेक्टर नेक्स्ट लेवल पे है, कोडी रोड्स का करेक्टर बिल्ड हो रहा है एंड जो यूएस की ऑडियंस है वो उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है कि हाँ वो मतलब उखाड़ रहे हैं लिटरली हर चीज़ को कि मर्चेंडाइज सेल्स में या टिकट सेल्स में हर चीज़ में वो बेस्ट हैं। तो ये कहना गलत है कि नहीं यार रोमन रेंज है या ट्राइबल चीफ है या ये है, स्टोरी लाइन परफेक्ट चल रही है, अब कहीं तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को क्रिटिसाइज कर रहे, तो ऐसे नहीं होता, हर करेक्टर अपनी जगह ठीक है और अपनी जगह बेस्ट कर रहा है और नंबर से यार ऊपर नीचे होते रहते हैं, बंदे की ये देखना चाहिए कैपेबिलिटी कितनी है कि वो टिकट सेल कितनी करवा रहा है या किस लेवल पे बिजनेस को लेके जा रहा है। तो गाइस माय फाइनल अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है अंडरटेकर से, तो गाइस अंडरटेकर के थीम सॉन्ग में डोनाल्ड ट्रंप उनके मतलब पॉडकास्ट पे आ रहे थे एंड बिल्कुल ही मतलब इज लाइक वो एक थीम थी जो अंडरटेकर की उस पे आ रहे थे एंड उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी थी बिकॉज ऑफ रीज़न, आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो गाइस ये एक फ़नी मोमेंट था तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, लिंक साइड वालों ने शेयर किया है, दिस इज़ अपडेट। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक करना, थैंक यू सो मच।